हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक विद राघव में आप सभी चटोरों का स्वागत है और मैं हूं आपका जूनियर शेफ राघव मालानी। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी सेजवान कॉर्न। इंग्रेडिएंट्स वी नीड आर 1 बाउल ऑफ बॉइल्ड कॉर्न, 1 स्पून सेजवान चटनी, हाफ चॉप्ड कैप्सिकम, हाफ चॉप्ड ऑनियन, हाफ चॉप्ड कैबेज, चाट मसाला एंड फ्राइड नूडल्स। हेलो यू गाइस, हाउ आर यू ऑल, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बाउल में कॉर्न लेंगे और उसे एक बिग बाउल में ट्रांसफर करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनेगी विद अ फ्यूजन टेस्ट इन इट, ताकि बच्चे भी खुश और मम्मीज भी खुश। उसके बाद हम इसमें चॉप्ड वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल्स में हमने लिया था कैप्सिकम, ऑनियन और कैबेज। उसके बाद हमें इसे एक मिक्स देना है और फिर इसमें सेजवान चटनी ऐड करनी है। 1 स्पून ऑफ सेजवान चटनी, बट बिकॉज आई डोंट लाइक स्पाइसी सो मैं आधी चटनी बाहर गिरा दूंगा। I'll show you. अब तो मम्मा गुस्सा करेगी। क्या करूं? चलो मैं पोंछ देता हूँ। Thank God. उसके बाद हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला स्वाद अनुसार और फिर इसे एक अच्छा मिक्स देंगे, बिल्कुल इसी तरह। मैं यहाँ फॉक की हेल्प से मिक्स कर रहा हूँ। पहले बाउल पकड़ लीजिए और फिर उसे मिक्स कीजिए। देखिए बिल्कुल इसी तरह मिक्स करना है। उसके बाद हम इसे ट्रांसफर करेंगे एक सर्विंग प्लेट में। देखिए बिल्कुल इसी तरह हमें डालना है। हेल्दी कुकिंग, हेल्दी ईटिंग। किड्स गोना लव दिस डिश। विद अ स्माइल ऑन द फेस। Now time to garnish. So we'll garnish it with fried noodles. See the way I'm doing it. बहुत सारा noodles लेके हम इसे top up करेंगे। इसे भी डाल देता हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह हमें करना है इसे। Well, that would be enough. Yes. Now ready to serve and ready to eat. पहले नूडल्स खा लेता हूँ। क्रिस्पी। So, time for tip of the recipe. आज की हमारी टिप होगी कि हम इसे हेल्दी बनाना चाहें तो इसमें फ्राइड नूडल्स में हम आटा नूडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। This is musty time between the shoot time.
So if you guys like this cute little ship, please, please, please do subscribe my channel and also hit that bell button. And for more updates, please follow my mama on Instagram and Facebook. Till then, me Chef Raghav signing off. Ta-ta! Thank you for watching.